खटीमा के पीलीभीत रोड पर शिव कॉलोनी में चल रहे लाइफ केयर नशा मुक्ति केंद्र को जिला प्रशासन ने जांच के बाद सील कर दिया। दरअसल नशा मुक्ति केंद्र बिना क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के और बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित किया जा रहा था। केंद्र में 44 मरीज उपचाराधीन थे, जिन्हें प्रशासन की टीम ने अधिकृत केंद्र में भेज दिया है। ये डॉक्टर नहीं, ये डॉक्टर जिसने दिखाया था हमने, तो फिर बोले ये डॉक्टर मान्यता नहीं है, डॉक्टर साहब साथ में है हमारे थोड़ा। फिर उसमें जो है इन्हें नवचेतना नशा मुक्ति केंद्र में भेजा जा रहा है। अब सर हमें भी सुनने को मिला है जो जिस रजिस्ट्रेशन पे हम चला रहे थे उसी पे वो लोग भी चला रहे थे, और बाकी अंदर पेशेंट गए, साफ सफाई में, खाने पीने में कोई मारापीटी नहीं है, हर तरीके की अच्छी व्यवस्था थी। और बाकी यहाँ आस पड़ोस के भी थे, कभी इन लोगों ने कोई विवाद नहीं सुना। यहाँ कैसे भी कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने बताया कि मेरा रूम चेंज करवा के जाऊँ, मैं इनके साथ नहीं रह पाऊँगा। हमने फिर दूसरा रूम चेंज करवाया 15,000 रुपये वाला, और उसमें भी फिर उसका फ़ोन गया, जो इसके साथ का छूट के गया, उसने हमारे घर पे फ़ोन किया गार्जियन लोगों को कि हमें जो कूलर वाला रूम खाली, जब कोई घर का आदमी जाए उनका आता है तब दिखाते हैं जो स्टाफ वाला रूम, तो उसके बाद हमें एक में ही जो घुसेड़ दिया जाता है, और जिंदा जाते हो तो मुझे वापस ले जाओ। हम आज और कल में इसे ले जाने वाले थे, तो अभी मुझे सूचना मिली तो मैं यहाँ पहुँचा हूँ, उन्हें लेने आ गया हूँ। ये तो खाली लूट मचा रखती है इन लोगों ना, इनके बाद कोई डर है ना खुश है। जो हमारे साथ बैठते हैं खाने पीने वाले थे वो इनके डॉक्टर हैं अंदर, इनके पास ना तो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन था और ना कोई कंपिटेंट डॉक्टर जिनकी देख रेख में मरीजों का इलाज होता है वो यहाँ पर, इसलिए इसको नियम रूप संचालित होने की दशा में हमने इसको सील कर दिया। संचालक अलग जिला में ऊपर रिपोर्ट भेज रहे हैं, उसके जैसे भी निर्देश प्राप्त होंगे उस हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर हम इनकी शिनाख्त कर रहे हैं और इनको हम पिछा में एक जो नशा मुक्ति केंद्र है जो गैर तरीके से संचालित किया वहाँ पर शिफ्ट करने की कार्रवाई की जा रही है। गोटेगांव में करकबेल के चिरचिटा में खेत में 8 फीट लंबा अजगर निकलने से क्षेत्र में दहशत फैल गई, जिसके बाद अजगर निकलने की सूचना पर वन विभाग को दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से सांप का रेस्क्यू कर बगासपुर के पास स्थित जंगल में छोड़ दिया है। ग्राम चिरचिटा बोछार बासन पानी, यहाँ एक खेत में अजगर मिला, जिसको हम लोगों ने रेस्क्यू कर उसको पकड़ा, और पकड़ने के बाद बगासपुर के घने जंगल में उसको स्वस्थ छोड़ा गया और वो जो है जंगल की तरफ अंदर चला गया।